हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से एक और नई रिक्वायरमेंट के बारे में पूरी जानकारी देने के लिए हम आपके साथ आ चुके हैं। दोस्तों, अगर आप लोग ANM की जॉब प्राप्त करना चाहते हैं तो नई भर्ती आ चुका है। टोटल सीट 122 है। इस 122 सीटों के लिए आप लोग ANM वाले जल्दी से अप्लाई फॉर्म कर देना है। चलिए ऑफिशियल नोटिस पर लेकर चलते हैं और पूरी जानकारी दे देते हैं कि ANM के लिए अप्लाई कैसे करोगे, कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और आपके लिए ये सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाली है। दोस्तों, बता दूं कि अगर आपको ये नोटिस चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप विजिट कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर मेडिकल जॉब टेलीग्राम ग्रुप का लिंक सर्च करिएगा, वहाँ पर भी ये नोटिस आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, बता दूं ये जो रिक्वायरमेंट है नेशनल हेल्थ मिशन वेस्ट बंगाल की तरफ से ये निकाला गया है। आप लोग देख सकते हो, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ऑफिस चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ हेल्थ आसनसोल, जो कि आप लोग वेस्ट बंगाल पश्चिम चंपारण में यहाँ पर पढ़ते हैं। दोस्तों, यहाँ पर और भी डिटेल्स हम आपको दिखा देते हैं। इसमें अगर बात करोगे डेजिनेशन यानी पोस्ट का, तो पोस्ट का नाम यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है, कम्युनिटी हेल्थ असिस्टेंट, यानी कि कम्युनिटी हेल्थ असिस्टेंट पोस्ट का नाम रखा गया है। टोटल 122 पोस्टों के लिए आप लोग अपना यहाँ से आवेदन कर सकते हो। इनमें क्वालिफिकेशन ANM पास आउट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हो, साथ ही GNM अगर कंप्लीट है फिर भी आप यहां से अप्लाई कर सकते हैं। ले साथ ही दोस्तों, आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो वेस्ट बंगाल नर्सिंग काउंसिल में होना चाहिए। अगर वेस्ट बंगाल नर्सिंग काउंसिल में नहीं है तो फिर आप लोग इस फॉर्म के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। सैलरी की बात करोगे तो सैलरी भी अच्छी खासी यहां पर दिए जा रहे हैं। 13,000 रुपये पर मंथ आपको सैलरी दिए जाएंगे। मैक्सिमम एज की बात करोगे तो 40 वर्ष रखा गया है, यानी कि 40 वर्ष से कम उम्र के कोई भी कैंडिडेट इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म को अप्लाई कैसे करेंगे? फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आप लोग को एक एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए लिंक यहां पर देख लीजिए, www.wbhealth.government.in, इस वेबसाइट पर चले जाइएगा। या फिर एप्लीकेशन फॉर्म का जो फॉर्मेट है वो हम टेलीग्राम ग्रुप में डाल चुके हैं, तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन होकर वहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हो। एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद ऑल डिटेल्स अच्छा से भर दीजिएगा। उसके बाद आप लोग को इस एड्रेस पर भेज देना है, द CMOH एंड मेंबर सेक्रेटरी ऑफिस ऑफ द CMOH कल्याणपुर सेटेलाइट टाउनशिप आसनसोल पश्चिम वर्धमान, पिन कोड ये रहा। तो इस एड्रेस पर आप लोग 19 जुलाई लास्ट डेट है, तो 19 जुलाई से पहले आप सारे कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर देंगे। फॉर्म के एप्लीकेशन फ़ी भी देना पड़ेगा। एप्लीकेशन फ़ी 100 रुपये जनरल कैटेगरी के लिए रखा गया है, और SC ST OBC कैंडिडेट हैं तो 50 रुपये आप लोग को पेड करना होगा। एप्लीकेशन फ़ी आप लोग अपने मोबाइल के गूगल पे से या फोन पे से अप्लाई कर सकते हो, या फिर किसी भी UPI अगर एप्लीकेशन रखे हो तो उसके माध्यम से भी यहां पर अप्लाई कर सकते हो, यानी कि अपना पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट करने के लिए ये UPI ID दिया हुआ है, इस UPI ID का प्रयोग करके जो कैंडिडेट जिसके लिए एलिजिबल होते हो बिल्कुल उससे अपना एप्लीकेशन फ़ी पेड कर सकते हैं। अब एप्लीकेशन फ़ी पेड करने के बाद उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। सारा डॉक्यूमेंट अटैच करके प्रिंट आउट वाले एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आप लोग को इस एड्रेस पर भेज देना है। एड्रेस यहां से फिर से नोट कर लीजिए, या फिर इस नोटिस को डिटेल्स डाउनलोड करके वहां से भी पूरी जानकारी ले सकते हो। इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं पूरी जानकारी मिल गया होगा। इसके अलावा भी कोई डॉट हो तो कमेंट करिएगा, या फिर टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े हो तो वहाँ से भी पूरी जानकारी ले सकते हो। अदर स्टेट के कैंडिडेट की बात करूँ तो अदर स्टेट, अगर आपका रजिस्ट्रेशन जो है वेस्ट बंगाल नर्सिंग काउंसिल में है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर वेस्ट बंगाल नर्सिंग काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो फिर आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलेंगे इसी तरह के नई रिक्वायरमेंट वाला नोटिस को लेकर के। तब तक देखते रहिए। थैंक यू। बाय बाय।